हाँ तो दोस्तों, क्या आप भी मोबाइल एड्स से परेशान हैं? तो ये वीडियो आप सभी के लिए। आज की इस वीडियो में आपको ये जानने को मिलेगा कि आप अपने मोबाइल फोन में किस तरीके से ऐड को बंद कर सकते हैं। कोई भी ऐड आपके मोबाइल फोन में अब नहीं आएगा इस वीडियो को देखने के बाद। जैसा कि दोस्तों, मैं इस जब मोबाइल फोन को जब भी चलाता हूँ तब मेरे मोबाइल फोन में कुछ इस प्रकार सा ऐड आ जाता है कभी भी। तो इस ऐड को किस तरीके से बंद किया जाएगा, मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों, आपको यहाँ पर कट करने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही आप इसे कट करते हैं तो ऑटोमेटिक ये बंद हो जाता है ऐड, लेकिन दोस्तों कुछ समय बाद फिर आ जाता है। तो इसे किस तरीके से हटाना वो भी बताने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों आप सभी बता दें, ये ऐड किस किस मोबाइल फ़ोन में ज़्यादातर आ रहा है। ओप्पो हो गया, MI हो गया, वीगो हो गया, इसी तरीके से काफ़ी ऐसे जो हैंडसेट हैं जिसमें ये एड्स आ रहे हैं। तो इस ऐड का आने का क्या रीज़न होता है वो भी बताने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों आप सभी बता दें कि इसे किस तरीके से बंद किया जाता है। तो चलिए ले चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे, आपको सारी चीजें बताते हैं। दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल फोन में इस समय एड्स आ चुका है। तो इसी एड्स को मैं लाइव प्रूफ बंद करके आप सभी को दिखाने वाला हूं। तो चलिए मैं इसे यहां पर आपको क्या करता हूं, सबसे पहले मैं यहां पर बैक चले आता हूं। जब भी मैं मोबाइल फोन चलाने लगता हूं, तो कई बार आपको भी इस तरीके से परेशानी देखने को मिली होगी। तो इस एड्स को बंद करने के लिए सिंपली सबसे पहले आपको जाना होगा अपने मोबाइल फोन के सेटिंग में। इस मोबाइल एड्स को बंद करने के मैं तीन तरीके बताने वाला हूँ। सबसे पहला तरीका बता रहा हूँ, सेटिंग में आपको जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आपको चले आना है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यहाँ पर आपको गूगल वाले सेटिंग में चले आना है। गूगल सेटिंग में आने के बाद आप सिंपली यहाँ पर ऐड सेटिंग में आ सकते हैं। ये सेटिंग आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी। अगर मान लीजिए आपके पास प्राइवेसी वाला सेटिंग है, तो यहाँ पर भी आपको एक एड्स का सेटिंग दिखने को मिल जाएगा। दोनों सेम है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप चाहे वहाँ से बंद कर सकते हैं, चाहे यहाँ से बंद कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं शो हो रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके का ऑप्शन शो हो रहा है, तो यहाँ पर रीस्टार्ट कर देना है, कन्फर्म कर देना है। इसके बाद डिलीट वाले करके डिलीट एडवर्टाइजिंग ID पे क्लिक कर देना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर न्यू शो हो रहा है न्यू, तो आप न्यू वाले क्लिक कर देंगे जिस तरीके से मैंने बताया। इस पर आपको रीस्टार्ट, इसके बाद यहाँ पर डिलीट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर ऐसे ही रहने देना है इसे, जो कुछ इस प्रकार से। इसके बाद आपको क्या करना है, बैक चले आना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको एड्स किस ऐप के थ्रू आ रहा है। इसे देखने के लिए सिंपली स्क्रॉल करना है। इसके बाद देख रहे हैं जो ऐप मेरे मोबाइल फ़ोन में आ रहा है, ये जो आप देख रहे हैं ये आ रहा है पिक्सल लैब के थ्रू। तो पिक्सल लैब अपनी एप्लीकेशन को आप देख लेंगे जो जिस एप्लीकेशन से आ रहा है। सबसे पहले ऐसे स्क्रॉल करेंगे ना, तो ये रिसेंट वाला टैब ओपन हो जाएगा। नीचे आपको ऊपर या फिर आपका ऐप का नाम या फिर आपके जो है ऐप का जो है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लोबो दिख रहा होगा। तो इस तरीके से आप लोबो ढूंढ लेंगे। इसके बाद उसे क्या करना है, यहाँ पर सिंपली अनइंस्टॉल कर देना है अगर उसके थ्रू आ रहा है तो। अब जो ये तो रहा आपका दूसरा ऑप्शन, अब चलिए तीसरे ऑप्शन के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से बंद कर सकते हैं। पहले मान लीजिए दो तरीके आपके मोबाइल फ़ोन में नहीं और कर रहा है, तीसरा तरीका आप यूज़ करिए। तीसरे तरीके का ये है, कई बार आप गूगल में जाकर कई ऐसे वेबसाइट को, अनचाही वेबसाइट को आप सर्च कर लेते हैं, जिसके बाद आपको नोटिफिकेशन शो होने लगता है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर गूगल में चले जाना है, यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है, सेटिंग वाले ऑप्शन पर आना है। इसके बाद चले आना है आपको यहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शन के बाद यहाँ पर साइट सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, साइट सेटिंग पर चले आना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुकीज दिख रहा है, तो सबसे पहले ऑल ब्लॉकेड पर कर देना है। इसके बाद नीचे चले आना है। नीचे चले आने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले एड्स जो ये साइड दिख रहा है, तो उसे क्या करना है, यहाँ से आपको यहाँ पर ब्लॉक ऐड साइड आपको सिंपली इसे ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपको चले आना है यहाँ पर नीचे की तरफ। अगर आपको ऑप्शन नहीं दिखे तो आपको सिंपली ऊपर की तरफ आ जाना है। मैं आपको बताता हूँ कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर ऑल साइड पे आपको चले जाना है। अब आपको देखना है कौन सी साइड आपकी ज़रूरत की नहीं है, तो सिंपली आप उस पर क्लिक करना है, यहाँ पर डिलीट कर देना है जो साइड आपकी ज़रूरत की नहीं है। मान लीजिए उसे फालतू का आपने यहाँ पर कर दिया, तो क्लियर स्टोरेज कर देना है। इसी तरीके से जितनी भी साइड है आपको क्लियर कर देना है। तो ये तीनों तरीका अगर आप अजमाएंगे तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अगर अभी भी नहीं बंद हो रहा है, तो अब आपको लास्ट ऑप्शन बचता है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रीसेट करना होगा। तो मोबाइल फ़ोन में आपको अबाउट वाले सेक्शन में देखने को मिल जाएगा, आपके मोबाइल फ़ोन में अलग अलग देखने को मिल जाएगा रीसेट का ऑप्शन। तो सिंपली मैं यहाँ पर फैक्ट्री डाटा रीसेट कर दूंगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले आपको मोबाइल फ़ोन में जितनी भी डाटा रहेगी उसे आपको अपने दूसरे मोबाइल फ़ोन में डाल लेना है। रीसेट करने के बाद आप सिंपली उसे अपने मोबाइल में रख सकते हैं। तो इसी चार तरीके से आप एड्स को बंद कर सकते हैं। पहले आपको लास्ट वाला तरीका बचता है कि आपको फैक्ट्री रीसेट कर देना होता है।
अगर उससे पहले आपका बंद हो जाए, जो तरीके मैंने बताए, अगर उससे बंद हो जा रहा है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान है और काफ़ी आसान तरीके से बंद भी कर सकते हैं। लास्ट वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको सारा कुछ डाटा क्लियर करना होगा। दोस्तों आप सभी को पता चल गया होगा मोबाइल एड्स किस तरीके से बंद करते हैं। वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपका ऐड बंद हो गया होगा, तो प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।